हे गाइस, यदि आप रक्त संबंध आपका फेवरेट शो है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। नीरज बिना ब्रेक वाली कार लेकर जाएगा, जिसकी वजह से कार अनियंत्रित हो जाएगी और खाई के पास एक पेड़ से टकरा जाएगी, जिसमें नीरज बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। और वहीं मानिक अंकल और संध्या उसका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाएंगे और उसे कार से बाहर निकालेंगे। मानिक अंकल नीरज को होश में लाने के लिए उस पर पानी डालेंगे, तभी वहां पर युवराज आ जाएगा और उन पर पीछे से डंडे से वार कर देगा, जिससे मानिक अंकल बेहोश हो जाएंगे। और फिर युवराज संध्या से अपना बदला लेने के लिए उसे मारने की कोशिश करेगा, तभी नीरज को होश आना स्टार्ट हो जाएगा और होश आने के साथ ही उसकी याददाश्त भी आ जाएगी। और जैसे ही नीरज को होश आएगा और इधर युवराज संध्या को मारने के लिए उस पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मारने जा ही रहा होगा कि वह उसे जोरदार धक्का मारेगा, और जिससे कि युवराज पत्थर लेकर दूर गिरेगा और फिर उन दोनों में भयंकर लड़ाई होगी। लड़ाई इतनी भयंकर होगी कि पहाड़ी के किनारे लड़ते लड़ते आ जाएंगे, जिसकी वजह से युवराज का पैर फिसल जाएगा और वह पहाड़ी से गिरने लगेगा, कि तभी नीरज उसका हाथ पकड़ लेगा और फिर नीरज का हाथ संध्या पकड़ लेगी और उसे ऊपर आने के लिए कहेंगे। मगर युवराज कहेगा कि मैंने जिन्हें मारने की कोशिश की आज ही वह ही मेरे को बचा रहे हैं, और बात रही मेरे राज की तो मैं अपने राज के साथ ही आज ख़त्म हो जाऊंगा। और फिर वह अपना हाथ छोड़ देगा और वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाएगा। या युवराज नीरज और संध्या की तरह बच जाएगा या फिर इसका द एंड यहीं पर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड में।